सब्सक्राइब कीजिए टैग गौतम को और साथ में बेल आइकन को दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम। अपना चैनल टैग गौतम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पर्सनल लोन के बारे में, जो इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलते हैं एक्सिस बैंक के थ्रू। तो अगर मोबाइल बैंकिंग हो या वेबसाइट हो या इंटरनेट बैंकिंग हो, कहाँ पे आप एक्सिस बैंक, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, कहाँ पे आप जाके लोन को चेक कर सकते हो और ऑफ़र मिला है कि नहीं, आप कहाँ से चेकआउट कर सकते हो और कैसे अप्लाई करना है, ए टू जेड मैं आज फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। दूसरी बात यह है, अगर मेरे वीडियो देख के अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो तो आप वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिए, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक लॉगिन हो जाने के बाद कोने में आप देख सकते हो थ्री डॉट पे लाइन है, उसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पे नीचे दो नंबर पर ऑप्शन आएगा लोन्स पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा। इसमें यहाँ पे लोन कैटेगरी के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन। हमें करना है पर्सनल लोन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज फिर से ओपन होएगा और उसमें आपको जो आपको ऑफ़र मिला है या कितने लोन आपको दिया गया या नहीं दिया गया, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगा। जैसे मेरे देख सकते हो 2,60,000 रुपये अप्रूव हो रखा है कॉन्ग्रेचुलेशन करके। इसमें ना विदाउट डॉक्यूमेंट देना है, कुछ नहीं करना, पूरा लोन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ये होता है पर्सनल इंस्टेंट लोन होता है, जो कि तुरंत मिल जाएगा एक ये अप्लाई करने के बाद। यहाँ पे देख सकते हो लोन डिटेल्स है, जो मंथली ईएमआई कितना बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर देख सकते हो कितना होगा, और मेरा टोटल अमाउंट देख सकते हो 2,60,000 है, और कितने मंथ के लिए हम ईएमआई बना सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, देख सकते हो आप 60 मंथ के लिए 2,60,000 अगर लेना हो, 60 मंथ के लिए हमें ईएमआई बनाना पड़ेगा। अगर 2 लाख से हम नीचे लेते हैं तो हम ईएमआई कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते, बट अगर 2,60,000 पूरा लेना है तो हमें 60 मंथ का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इस साइड पे देख सकते हो प्रोसेसिंग फ़ी हमें कितना देना पड़ेगा, 2,60,000 का। यहाँ पे देख सकते हो टोटल प्रोसेसिंग फ़ी दिखा रहा है 3,037 रुपये का। स्टैम्प जो ड्यूटी है वो कितने लेगा, टोटल मिला के हमारी ये चार्जेस देना पड़ेगा हम अगर लोन लेते हैं 2,60,000। और यहाँ पे देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई इतना बनेगा। आगे हम कॉन्फर्म करेंगे। कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नया पेज एक ओपन होकर आएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इंश्योरेंस और लोन। अगर लोन का इंश्योरेंस आपको करना है, जैसे कि नॉर्मल इंश्योरेंस होता है HDFC लाइफ ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशन का, अगर इसमें क्लिक करते थे 2,308 रुपये का आपका जो पेमेंट है वो कट जाएगा आपकी लोन की ऊपर से, तो आपको यहाँ पे इतना ही देना पड़ेगा। अगर मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस है ना लें, और अगर आपको इंश्योरेंस लेना तो अलग से आप इंश्योरेंस ले सकते हो। मेरे हिसाब से गाइड करूँगा यहाँ पे इंश्योरेंस ना लें। कन्फर्म पे क्लिक करें। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे दिखाया जाएगा जो आपका जो लोन है वो एक बार रिव्यू कर लो। आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे देख सकते हो, मैं टोटल अमाउंट 2,60,000 ले रहा हूँ और 60 मंथ के ले रहा हूँ। मेरा मंथली जो ईएमआई होगा 5,652 रुपये का। टोटल मेरा ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.99% होगा, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी और स्टैम्प ड्यूटी छोड़ के मेरे को 2,56,653 रुपये का मेरा क्रेडिट हो जाएगा अपना सेविंग बैंक अकाउंट पे। एक्सेस का जो पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें मेरा ये लोन क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सारे चेक कर लेना है जो आपको अगर लगता है जो मेरे को मंथ कम करना है या मुझे कम अमाउंट चाहिए आपके हिसाब से बैक करके कर सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप जो डिटेल्स है, स्पार बैंक रिकॉर्ड्स ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना एड्रेस देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एड्रेस शो कर रहा है। फिर यहाँ पे जो ईमेल आईडी शो कर रहा है, ईमेल आईडी भी देख सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आपकी लोन का पूरा डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। पूरा ठीक से चेक कर लेना आगे की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, जो नेक्स्ट में क्लिक करना ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज ओपन होकर आ चुका है, जिसमें टर्म एंड कंडीशन बता रहा है। जो आपका टर्म एंड कंडीशन का जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस होता है वो सारे आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑफ रेट और आपका कितने मंथ का है, कितना टोटल अमाउंट है, ये सारे टर्म एंड कंडीशन आप लोग पढ़ लेना। पढ़ना चाहते हो तो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो फिर आई एग्री जो ऑप्शन नीचे आ रहा है, ये आई एग्री पे क्लिक करें।
आई एग्री पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपकी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब लोन आगे प्रोसेस होने वाला है, तो ओटीपी मेरे पास आ चुका है, मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। देख सकते हो मैं ओटीपी डाल लिया हूँ। आगे एबल नाउ पे क्लिक करें। एबल नाउ जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा दोबारा। नया पेज एक ओपन होकर आ चुका है, जो आपकी लोन है वो प्रोसेस में चला गया। प्रिपेयरिंग एप्लीकेशन पे भी ऑप्शन पे चला गया, अभी आपके रिव्यू होगा। दूसरी बात है, यहाँ पे देख सकते हो जो नया पेज ओपन होकर आएगा, एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस लिखा है। अब ये जो आपके यहाँ पे पढ़ सकते हो, यू आर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन विल बी कन्फर्म द स्टेटस विद इन 2-3 वर्किंग डेज बाई SMS या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी आपको बता दिया जाएगा। और ये जो लोन है वो रिजेक्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपका जो ये वाला लोन ऑफर मिलता है, जहाँ पे आपको चेक करना है, मैं पहले भी बताया हूँ कहाँ पे जाके, कहाँ पे आपको ये लोन चेक करना है, यहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। अगर मिलता है तो आपको ज़रूरत है तो ले सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो अलग बात है। तो यहाँ पे आपकी 2-3 दिन के अंदर आपकी जो ये अमाउंट है क्रेडिट हो जाएगा। मेरे हिसाब से 24 आवर्स के बाद अगर वर्किंग डे होता है तो क्रेडिट हो जाएगा अपने बैंक अकाउंट पे। चलिए अभी इतना ही, मिलते किसी नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।